हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें पूछा है, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक। एक क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि माया ऐसा क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ एक क्रूक है। क्रूक मतलब अच्छे आदमी नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि धूर्त है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, Who does she say the Sunday visitor is? और माया किसे संडे विजिटर कहती है। सो दो क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। फर्स्ट का करते हैं पहले। माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रूक बिकॉज, यहाँ तक क्वेश्चन में से देख के कर लोगे। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इवन आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अ ईयर एट द प्लेस। माया का ये सोचना है कि मिस्टर नाथ बहुत साल से, एक साल से भी ज़्यादा हो गया और वो सेम जगह पे रह रहे, फिर भी उनका कोई फ्रेंड नहीं है। अल्सो ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड डज नॉट हैव एनी विजिटर एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द विजिटर हु मीट्स हिम ऑन संडेज। और वो तो अकेले रहते हैं, किसी को फ्रेंड बनाया नहीं और कोई उनके साथ बात करता भी नहीं है, और ना ही कोई उनसे मिलने आता है, उन्हें विजिट करने आता है। सिर्फ एक पर्सन है, एक विजिटर है जो उन्हें हर संडे मिलने आता है। अब सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा था कि वो विजिटर किसे कहती है, वो विजिटर कौन है। शी सेज दैट द संडे विजिटर इज अ पार्टनर इन क्राइम। अब माया का कहना क्या है कि ये जो मिस्टर नाथ थे, इन्होंने जो क्राइम किया है या फिर जो क्राइम करते हैं, इस क्राइम का पार्टनर है ये संडे विजिटर। एंड विजिट हिम ऑन संडे टू गिव हिम हिज शेयर ऑफ मनी। और वो हर संडे मिलता है मिस्टर नाथ को, और दोनों क्या करते हैं, मनी शेयर करते हैं जो भी इन्होंने बुरे काम करके इकट्ठा किया होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।